सो है गाइस, कैसा आप सब? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने YouTube वीडियोस के ऊपर थंबनेल को लगा सकते हो। यहाँ पर कई लोगों के सामने प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो अपने YT स्टूडियो में जाते हैं और वहाँ पर अपने वीडियोस में कस्टम थंबनेल को जब वहाँ सेलेक्ट करते हैं तो उनके सामने कुछ एरर आ जाता है, जिसको वहाँ पर वो अपने वीडियोस में थंबनेल नहीं लगा सकते। तो इस वीडियो में आपको ये सॉल्यूशन इसका बताने वाला हूँ कि कैसा आप इस एरर को यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हो और यहाँ पर आप अपने वीडियोस में एक प्रॉपर थंबनेल को कैसे लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एरर क्या आता है। यहाँ पर हम अपने YT स्टूडियो को ओपन करते हैं। यहाँ पर ये मेरा दूसरा आईडी है। तो यहाँ पर हम किसी भी एक वीडियो को ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर फिर पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर कस्टम थंबनेल का एक यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पर हमारे सामने एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ से आपका ब्राउज़र ओपन हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपको YouTube.com को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ से आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पर आपको ऊपर में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। जैसे यहाँ से ये इनेबल हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपके चैनल का लोगो आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ये लोडिंग लेगा तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे चैनल का यहाँ पर लोगो आ चुका है। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है योर चैनल का। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं तो कस्टमाइज चैनल के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो यूट्यूब स्टूडियो रहेगा वो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में। तो जैसे देख सकते हो हमारा यहाँ पर YouTube स्टूडियो ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है कि आपको सबसे नीचे में एक सेटिंग का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना है कि आपको यहाँ पर आपको चैनल वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आपको फीचर एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर फीचर एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने दूसरा ऑप्शन में आ जाएगा इंटरमीडिएट फीचर। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई फोन नंबर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एक मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा आपके चैनल में। तो यहाँ पर जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से हमारे दूसरे पेज में यहाँ पर ये रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है कि आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपका कंट्री ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर यहाँ पर नहीं लेता तो इसको यहाँ पर आपको सेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट विद वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा उसको। तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर को टाइप कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे में गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर में एक 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसको यहाँ पर हमको एंटर करना पड़ेगा। तो कोड देख सकते हो यहाँ पर ये आ चुका है। इसको हम यहाँ से सिंपली से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ से ये सबमिट हो जाएगा तो देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे सामने मैसेज आ चुका है फोन नंबर वेरीफाइड। यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ से आप अपने थंबनेल को सेट कर सकते हो ईजिली। तो फिर से यहाँ पर YT स्टूडियो को ओपन करते हैं। जैसे यहाँ से ओपन करेंगे तो फिर से हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा और उस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और कस्टम थंबनेल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा जो थंबनेल रहेगा वो यहाँ पर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो आपका वीडियो में थंबनेल लगाना चाहते हो उसको सिंपली से आपको सेट करना है। जैसे यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको डन करेंगे और जैसे यहाँ से हम इसको सेव करेंगे तो हमारा जो थंबनेल रहेगा हमारे वीडियोज़ में इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लग चुका है। तो इसी तरह से आप अपने वीडियोज़ में इसको थंबनेल को लगा सकते हो। तो आई होप कि आपको सारा ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर लेना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।